दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और एमएस धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली के शेरों ने दहाड़ते हुए आज मैदान में उतरकर ऐसी बल्लेबाजी करी कि देखकर सैमसन तो क्या राजस्थान के रजवाड़ों की हवाइयां उड़ गई थी। जैक फ्रेशर से लेकर अभिषेक बोरेल, इनफैक्ट दोस्तों पंत अक्षर ने कैसे चौके छक्कों की बारिश करते हुए राजस्थान को दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया था। आपको दोस्तों दिल्ली की टीम की पूरी खतरनाक बैटिंग का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, ऋषभ पंत क्या एमएस धोनी से बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज बनेंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में राजस्थानियों ने तो प्लेऑफ का स्वाद चख लिया है, लेकिन अब भी इस रेस में बने रहने वाली दिल्ली की टीम ये मंसूबा देख रही थी कि उन्हें प्लेऑफ में पहुंचना है और इसके लिए उनका सामना हुआ राजस्थान रॉयल्स की टीम से। दोस्तों, आईपीएल 2024 का ये 56वां मुकाबला दिल्ली और राजस्थान की टीम के बीच में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया और जैसे ही मैच शुरू हुआ दिल्ली की टीम ने इसे शुरू होते ही खत्म करने की मानो जिद सी ठान ली थी अपने ऊपर। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की टीम के खतरनाक बैट्समैन जैक फ्रेशर ने 20 बॉल में 3 छक्के 7 चौके लगाकर पूरे के पूरे 50 रन की पारी खेल डाली और यही पारी काफी थी राजस्थान को हिलाने के लिए। लेकिन अभी एक और धमाका होना था। अभिषेक पोरेल 36 गेंदों में 3 छक्के 7 चौके ठोककर 65 रन की पारी दोस्तों इस खिलाड़ी ने बनाई और टोटल ना मात्र और मात्र 10 ओवर के अंदर 110 के पार जा चुका था। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि दिल्ली की टीम की शुरुआत कितनी ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन अभी एक ट्विस्ट आना बाकी था और दोस्तों वो ट्विस्ट था दिल्ली की टीम के बाकी खिलाड़ियों को लेकर। देखिए, अक्षर पटेल ने भले ही छक्का लगाया, 15 रन बनाए। ऋषभ पंत ने भले ही छक्का लगाया, वो भी 15 रन बना गए, लेकिन मैदान में जैसे ये दोनों 15-15 पर आउट हुए तब थोड़ा प्रेशर बन रहा था और दोस्तों प्रेशर बनाने वाले अश्विन और चहल थे। अश्विन ने तो बैक टू बैक 203 विकेट निकाले ही थे, साथ ही साथ युजवेंद्र चहल भी अपनी टीम के लिए एक विकेट ले चुके थे और विकेट था ऋषभ पंत का, जो एक हथौड़े के बराबर विकेट था। दोस्तों, ये विकेट होते ही यूजी ने अपने T20 में 350 विकेट पूरे कर लिए और दिल्ली की टीम जिसके रनों की रफ्तार बहुत तेज थी चीते की तरह, वो 15वें ओवर तक आते आते केवल 150 रन ही रह गए थे और अब दिल्ली की टीम को और नई पारियां चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि गेंदबाज पकड़ बना पाते, दिल्ली की टीम के खिलाड़ियों ने फिर से रफ्तार का मीटर खींच कर रख दिया और इस बार इतने रन बनाए ना कि होश उड़ गए राजस्थानियों के फिर से। लेकिन इस बार दोस्तों रन बनाने की लिस्ट में ट्रिस्टन स्टब्स और गुलबदीन शुमार थे। दिल्ली की टीम के लिए खिलाड़ियों की जीत उनकी आंखों में, उनकी बल्लेबाजी में साफ दिख रही थी। आपको बताएं दोस्तों के बल्लेबाजी के मोर्चे को आगे बढ़ाते हुए ट्रिस्टन स्टब्स इतने ज्यादा आगे निकल गए कि 215 के स्ट्राइक रेट से 3 छक्के 3 शानदार चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने 19 गेंदों के अंदर 40 से ज्यादा रन बना दिए थे। उधर दोस्तों गुलबदीन ने भी एक चौका एक छक्का लगाकर 15 गेंद में 19 रन बनाए थे और अब टोटल ना 220 के पार हो गया था। दोस्तों 20 ओवर में 220 रन चेस करना, देखिए राजस्थान के लिए भले ही बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन दिल्ली की टीम इस बार मुस्तैद लगी। क्या खूब बल्लेबाजी करी उन्होंने। लेकिन दोस्तों, आप सभी दिल्ली की इस खतरनाक बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, साथ ही साथ पंत और सैमसन में से कौन ज्यादा खतरनाक कप्तान है आपकी नजर में, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत और एमएस धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं और राशिद खान को भी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली से हार के बाद बुरी तरीके से बौखला गए राशिद खान। अंतिम ओवर में चाहकर भी जीत ना मिलने पर इन्होंने पंत पर कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आज आप भी दंग रहने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों राशिद खान ने हार के बाद भड़कते हुए पंत पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए क्या कुछ कहा अपने बयान में, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, वर्ल्ड कप के लिए पंत और धोनी में से किसे लेकर जाना चाहिए, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 40वें मुकाबले में 40 गुना रोमांच हमें देखने को मिला और 440 वोल्ट का झटका ना राशिद खान देने को तैयार थे। ऋषभ पंत की सेना ने शुरुआत भले ही अच्छी ना की हो, लेकिन अंत ऋषभ पंत के बल्ले से इतना कामयाब हुआ कि टीम जीत गई। दोस्तों, ऋषभ पंत की टीम की तरफ से अक्षर पटेल के 66 रन आए और शुरुआती खिलाड़ियों ने कुछ खास ना किया हो ना हो, लेकिन ऋषभ पंत 43 गेंदों में 8 छक्के 5 चौके जड़कर 88 रन बनाकर जाते हैं। ट्रिस्टन स्टब्स भी साथ में 26 रन लगाकर अगर उनका साथ देकर और 224 का टोटल बना, यानी कि 225 रन चेज करने थे। वैसे तो गुजरात की टीम आदि पवेलियन पहुंच चुकी थी, लेकिन 3 खिलाड़ी गेम चेंजर बने।
साई सुदर्शन जिन्होंने 65 रन बनाए, डेविड मिलर जिन्होंने 55 रन बनाए और राशिद खान जिन्होंने लगभग मैच जिता ही दिया था। दोस्तों राशिद खान मैच में इतनी जबरदस्त फिनिश कर रहे थे कि मिलर के अधूरे काम को वो अंतिम ओवर तक तो ले गए, लेकिन अंजाम देने के लिए 17 रन चाहिए थे और मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर वो बाउंड्री लगाते हैं और उसके बाद इतने कम रह जाते हैं रन कि दोस्तों जीतने के लिए 5 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन मुकेश कुमार की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि वो मैच में अपनी टीम को बचाते हैं और फिर छक्का पड़ने के बावजूद भी इस मैच में दिल्ली की टीम 4 रन के अंतर से जीत जाती है। खैर दोस्तों दिल्ली जीत गई और गुजरात की टीम हार गई, यही सबसे बड़ा सत्य है इस वक्त का। लेकिन अपनी टीम की हार के बाद ना राशिद खान बुरी तरीके से बौखलाए हुए और उन्होंने अपने बयान में अब पंत और पंत कंपनी पर क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि राशिद खान ने अपनी टीम की इतनी बुरी हार पर कहा, दिल्ली जैसी टीम से भी अंतिम ओवर में ऐसे मोड़ पर हारना जहां पर हमारी टीम जीत गई थी, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखदाई है मेरे लिए। डेविड मिलर भाई और साथ ही साथ साई सुदर्शन सब ने बहुत मेहनत करी थी मैच को अंतिम ओवर तक ले जाने में, लेकिन अफसोस उस मेहनत का सही नतीजा ना मैं खुद ब खुद निकाल ही नहीं पाया। कोशिश तो बहुत करी लेकिन टीम चाहकर भी जीत नहीं पाई हमारी, और इस बात में भी कोई शक नहीं कि हमारी टीम की हार का सबसे बड़ा कसूरवार जिम्मेवार ऋषभ पंत खुद ब खुद हैं। इन्होंने जो अंतिम ओवर में 31 रन निकाले वो मैच में सबसे बड़ा अंतर ले आए, वरना दिल्ली की टीम की हैसियत नहीं कि गुजरात से जीत कर दिखा दे। हमने चेस कर दिया था, बस वो 31 रन हम पर बहुत भारी पड़ गए जब मोहित शर्मा ने प्यार की तरह लुटा दिए पंत के ऊपर। खैर अगला मुकाबला दूर नहीं, हम दिल्ली को हराकर अपना बदला ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन पंत का विकेट अगर वक्त रहते मिलता ना तो ये मैच भी हमारे नाम होता, चाहे अंतिम ओवर में या उससे भी कई गुना पहले। दोस्तों हार के बाद लगता है कि राशिद खान को सदमा लगा है। वैसे आप सभी का क्या मानना है, पंत की इतनी धांसू फॉर्म को देखते हुए क्या उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर लेना चाहिए या अभी भी रुकना चाहिए, नीचे कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। तो अगर आप भी ऋषभ पंत और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों अंतिम ओवर में दिल्ली को हारा हुआ मैच जिताने वाले मुकेश कुमार ने अंतिम ओवर पर ना बड़ा खुलासा कर दिया है। पंत को दूसरा धोनी बताते हुए क्या कह गया ये खिलाड़ी, इनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है पंत और धोनी में आपका फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 के 40वें मुकाबले में 40 गुना रोमांच हमें देखने को मिला और 440 वोल्ट का झटका ना राशिद खान देने को तैयार थे। ऋषभ पंत की सेना ने शुरुआत भले अच्छी ना की हो लेकिन अंत ऋषभ पंत के बल्ले से इतना कामयाब हुआ कि टीम जीत गई। दोस्तों ऋषभ पंत की टीम की तरफ से अक्षर पटेल के 66 रन आए और शुरुआती खिलाड़ियों ने कुछ खास ना किया हो ना हो, लेकिन ऋषभ पंत 43 गेंदों में 8 छक्के 5 चौके जड़कर 88 रन बनाकर जाते हैं। ट्रिस्टन शब्स भी साथ में 26 रन लगाकर अगर उनका साथ देकर और 224 का टोटल बना, यानी कि 225 रन चेज करने थे। वैसे तो गुजरात की टीम आधी पवेलियन पहुंच चुकी थी लेकिन तीन खिलाड़ी गेम चेंजर बने, साई सुदर्शन जिन्होंने 65 रन बनाए, डेविड मिलर जिन्होंने 55 रन बनाए और राशिद खान जिन्होंने लगभग मैच जिता ही दिया था। दोस्तों राशिद खान मैच में इतनी जबरदस्त फिनिश कर रहे थे कि मिलर के अधूरे काम को वो अंतिम ओवर तक तो ले गए, लेकिन अंजाम देने के लिए 17 रन चाहिए थे और मुकेश कुमार गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर वो बाउंड्री लगाते हैं और उसके बाद इतने कम रह जाते हैं रन कि दोस्तों जीतने के लिए 5 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे, लेकिन मुकेश कुमार की प्रेजेंस ऑफ माइंड थी कि वो मैच में अपनी टीम को बचाते हैं और फिर छक्का पड़ने के बावजूद भी इस मैच में दिल्ली की टीम 4 रन के अंतर से जीत जाती है। लेकिन दोस्तों जीत के बाद दिल्ली के गेंदबाज मुकेश कुमार ने अंतिम ओवर पर एक बड़ा खुलासा किया है। अंतिम ओवर की दोस्तों पहली दो गेंदों पर मैच खत्म हो चुका था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे और 2 चौके पहली दो गेंद पर आ चुके थे, लेकिन फिर पंत ने ऐसा क्या कहा मुकेश कुमार को धोनी के अंदाज में कि मैच पलट गया। दोस्तों इसी बात का खुलासा करते हुए जीत के बाद मुकेश कुमार ने कहा, एक गेंदबाज को ये पता होता है कि IPL जैसे मैचेस में अंतिम ओवर में ऐसी सिचुएशन हमेशा बन सकती है और इसकी कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन एक गेंदबाज को जब विकेट के पीछे से सपोर्ट मिलता है कप्तान का, विकेट कीपर का, और वो लगातार आपको आपकी लाइन और लेंथ बेटर करने की सलाह देते रहते हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस मोटिवेशन डबल हो जाता है और आप और भी बेहतर प्रदर्शन कर जाते हैं। इस मैच में कुछ ऐसा ही हुआ, राशिद ने 2 चौके जड़ दिए थे, मैच खत्म होने वाला था, लेकिन अंतिम लम्हों ने पंत भाई ने मेरे को सबसे पहले प्रेशर रिलीज करने के लिए कहा और कहा कि जिस तरीके से फुल टॉस डाल रहा हूँ वही डालनी है, चाहे रन क्यों ना पड़ जाए क्योंकि उस पर मेरी कमांड ज़्यादा अच्छी है। मैंने 2 गेंदें डॉट निकाली,
फिर उसके बाद एक छक्का भी पड़ गया, लेकिन फिर भी अंतिम ओवर पर मैंने यॉर्कर के साथ खेलकर मैच को जीता, क्योंकि पंत भाई और मेरा यही प्लान था। मुझे पूरा यकीन है कि वह आगे चलकर केवल हमारी टीम के नहीं बल्कि देश के दूसरे धोनी भी बनेंगे। ऐसा कप्तान होगा तो ट्रॉफी भी हम ही जीतेंगे। दोस्तों, मुकेश कुमार ने बता दिया है कि पंत कैसे धोनी के अंदाज में कप्तानी करते हैं, और वाकई में उनकी तो बैटिंग भी कुछ वैसी होती जा रही है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या पंत धोनी की जगह ले पाएंगे या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।